जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है गुलाबी रंग। रंगों का उत्सव होली जब आती है, अनेकों रंग समेटे जिंदगी को हौले से छूकर अपनी चादर उसे दे जाती है। पर ये चादर कुछ के लिए मन लुभावने रंगों में लिपटी होती है, तो कुछ के लिए ऐसे रंगों में जिसको देखने मात्र से ही उनकी रूह कांप उठती है। मौसमी को होली के रंगों में रंग जाना बेहद पसंद था। रंग ही तो थे जो उसको जिंदा होने का एहसास देते थे। होली का महीना आया नहीं कि उसकी मस्तियां शुरू। कभी छत के कोने से लोगों को गुब्बारे मार देती। ए कौन अरे? चटाक से पड़े गुब्बारे से तितर बितर लोगों के जमघट बगुले की तरह मुंडी घुमा घुमा इधर उधर देखते कि आखिर कौन सा बदमाश यह हिमाकत कर सकता है। तो कभी पूरी की पूरी बाल्टी ही किसी पर उड़ेल दी जाती, वो भी निशाना बनाकर एग्जैक्ट बनाए गए स्पॉट पर। ए दीदी, पगला गई है का? 25 साल की हो गई है पर बचपना गया नहीं आपका। ए बताइए, ठंडा पानी तो गिरा दिया, वो भी हरा रंग का। अब कैसे जाएंगे मैडक बनकर ऑफिस में? पूरी कॉलोनी होली के कुछ दिन पहले से ही सजग हो जाती और मौसमी के रंगीन षड्यंत्र को भेदने की कोशिश करती। जहां कुछ लोगों को मौसमी की शरारत बहुत गंदी लगती, वहीं कुछ लोगों को मजेदार भी। अरे होली है भैया, रंग से कहां बचिएगा? डोंट फील बैड, इट्स होली पुअर लैड। पर मौसमी के किस्से अब धीरे धीरे धूमिल हो चले थे। पिछले 2 सालों में किसी ने भी उसे रंगों के करीब नहीं देखा था, बल्कि न जाने क्यों वो गुलाबी रंग देखकर ही सहम जाती, अजीब सा बर्ताव करने लगती। होली के कुछ दिन पहले से ही वो खुद को अपने कमरे में कैद कर लेती। न अब उसके घर से किसी को गुब्बारे पड़ते, न ही पानी की बौछार। कॉलोनी वालों के साथ साथ उसके घर वाले भी हैरान थे। पहले तो डॉक्टर्स के चक्कर लगाए गए, फिर झाड़फूंक, पर मौसमी का गुलाबी रंग से बैर गया ही नहीं, बल्कि अब तो उसके घर में गुलाबी रंग की कोई भी वस्तु या कपड़े तक नहीं आते थे। क्या था इसका रहस्य, कोई भी नहीं जानता। पर उसकी सहेलियां श्वेता, गरिमा, मेघा और अनामिका सब उस दिन उसके साथ थी। मेघा उनमें सबसे बड़ी थी और मौसमी की सबसे करीबी दोस्त भी। उसका कहना था, 2 साल पहले जब वो होली खेल रहे थे तो उन्हें पता लगा पास के इलाके में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक बड़े मैदान में नगाड़े, ढोल और संगीत तीनों का साथ मिलेगा, फिर मौसमी को कौन रोक सकता था। वो हम सबको ले वहां पहुंच गई। वहां का नजारा तो गजबे था, पूरा फिल्मी माहौल बना हुआ था। एक तरफ गुजिया, गोलगप्पे और न जाने कितने स्वादिष्ट व्यंजन लगे थे, तो दूसरी ओर पिचकारी और रंगों की दुकानें। हम सब तो उस रंगीन दुनिया मानो खो से गए। सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, अचानक लड़कों की एक टोली हमारे साथ नाचने लगी। नहीं, लड़के अच्छे थे, उनमें से एक तो मेरे भाई सुमेर का दोस्त भी था, पर मौसमी को मौका मिल गया। जो बहकर होली शुरू हुई उसका अनुमान तो लगाया भी नहीं जा सकता। एक के ऊपर एक रंग की तह लगने लगी। भागम भाग तो इतनी हुई कि कौन, कब, कहां और किसके पीछे भागा, इसका होश तो हमें खुद न था। जब लगा लड़के हम पर भारी पड़ रहे हैं तो हम चारों वहां से भाग खड़े हुए। किस ओर दौड़े अंदाजा ही नहीं था, पर एक मोड़ पर हमें एक लड़का सीढ़ियों पर बैठा दिखा, एकदम साफ सुथरा। बेचारा अपना सर झुकाए बैठा था, उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर रंग था ही नहीं। मौसमी ये देख मुस्कुरा गई, भला उसके होते हुए होली पर किसी का चेहरा कैसे उदास हो सकता है। हम लोग मना भी किए पर वो मानी ही नहीं। हमसे उसने गुलाल मांगा और हमारे पास गुलाबी रंग था, हम दे दिए। लेकिन हम देखे उस गली में पूरा सन्नाटा था,
सिर्फ एक वही लड़का अकेले अलग थलग बैठा था। घरों के दरवाजे ही बंद थे। हम बोले भी, अरे कुछ अजीब नहीं लग रहा? होली वाले दिन ऐसा सोनापन? मौसमी बोली, अरे तो हम इस सोनेपन को अभी दूर किए देते हैं। कितना रोके हम उसको, पर वो हाथ छुड़ा चली गई उसके पास। दोनों हाथ से गुलाल उसने उस लड़के के चेहरे पर मल दिया। पर जैसे ही उस लड़के ने अपना चेहरा ऊपर किया, वो बहुत तेज चीखी और फिर बेहोश हो गई। हम लोग तो डर ही गए थे, आसपास मदद मांगे और जब लोग आए तो लड़का वहां था ही नहीं। तब से अब तक की कहानी सब जानते हैं। मौसमी ने भी कुछ साफ साफ नहीं बताया था। सब पूछ पूछ कर थक गए कि उस दिन हुआ क्या, कौन था वो लड़का। पर वो यही कहती रही कि उसने उसे कहीं देखा है, पर उस रूप में नहीं। मौसमी का भाई विक्रम अब अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसकी इंटर्नशिप पास के बड़े हॉस्पिटल में शुरू हो गई। वो अपनी बहन के डर का समाधान खोजने लगा, वो भी साइंस की मदद से। लाइब्रेरी और किताबों के बीच वो कोई ऐसा केस खोजने लगा जो उससे मिलता जुलता हो, पर उसकी कोशिश हर बार उसे कंधे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती। एक दिन उसे नोटिस बोर्ड पर डॉक्टर शेखावत के सेमिनार के बारे में पता चला। डॉक्टर शेखावत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे और सोल्स यानी आत्माओं पर अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते थे। विक्रम ने वो सेमिनार अटेंड किया और डॉक्टर से इतना प्रभावित हुआ कि सेमिनार के बाद उनसे मिलने पहुंच गया। शेखावत लोगों की भीड़ के बीच कॉफी पी रहे थे। सर, आपसे कुछ पूछना है। विक्रम उनके करीब आ गया। डॉक्टर, ये विक्रम है, इंटर्नशिप कर रहा है हमारे साथ। HOD डॉक्टर रहमान ने विक्रम का परिचय उनसे करवाया। सर, आपके सेमिनार में आपने लॉग्ड मेमोरीज की बात की, क्या ऐसा हो सकता है ये लॉग्ड मेमोरीज किसी के डर का कारण बन जाए? डॉक्टर समझ गए। उन्होंने विक्रम को एकांत में बुलाया। केस बताइए। मुझे पता है आप किसी केस से इसे रिलेट कर रहे हैं। विक्रम ने मौसमी का पूरा हाल बयां कर दिया। वो गली होली वाले दिन भी सन्नाटे में क्यों डूबी थी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, उस गली की अजीब कहानी है। होली से एक दिन पहले लोग उस गली से किसी साए को गुजरते देखते थे जो हर दरवाजे पर रंग छोड़कर चला जाता था। लोगों ने कोशिश की उस साए को देखने की, पर जो भी उस रात बाहर गली में आता वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता था। डर के मारे लोग होली से दो दिन पहले अपने अपने घर बंद करके कहीं और चले जाते हैं और होली के अगले दिन ही वहां आते हैं। विक्रम ने अपनी बात रखी। मैं मौसमी से मिलना चाहूंगा। डॉक्टर को केस इंटरेस्टिंग लगा। अगले दिन शेखावत मौसमी के सामने बैठे थे। आपको लगता है मेरा दिमाग हिल गया है ना? मौसमी मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो, मैं तो मानता हूं आपका डर बिल्कुल वाजिब है। डॉक्टर ने अपना नोटबुक और पेन बैग से बाहर निकाल लिया। मौसमी सुनते ही हैरान हो गई। किसको देखा था आपने उस दिन? कोई जाना पहचाना सा चेहरा था, पर सड़ा गला भी। ऐसा लगा मानो मन रो रहा हो। आंखों से आंसू खुद ब खुद बाहर आने लगे। दिल पसीत सा गया था। कोई सुनापन अंदर बैठ गया था। फिर दिमाग कहने लगा कुछ डरावना सामने है, और शरीर डर में कांप उठा। उसके बाद वो दिखाई दिया आपको कहीं भी? नहीं, पर गुलाबी रंग जब भी देखती हूं उसका चेहरा एकदम साफ दिखता है। समझ नहीं आता डर है या फिर एक अजीब खालीपन। दिल रोने लगता है और दिमाग सुन सा पड़ जाता है। शेखावत असमंजस में थे। 3 दिन बाद होली है, चलोगे मेरे साथ उसी जगह? विक्रम ये सुनते ही बोला, अरे सर क्या कह रहे हैं आप? अगर गुलाबी रंग का भेद जानना है तो वहां चलना होगा, और मैं हूंगा ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर ने मौसमी की आंखों में झांका। जाने क्यों डॉक्टर की बात मौसमी ने मान ली। वो कुछ देर नीचे देखती रही मानो कुछ सोच रही हो, फिर हां में सर हिला दिया।
वो भी शायद खुद को आजाद करना चाहती थी। आखिर कब तक वो यूं छुप छुप कर जिएगी। होली का दिन आ गया और डॉक्टर शेखावत पूरी तैयारी के साथ उस गली के बाहर पहुंच गए जहां खामोश घर मुंह हुए खड़े थे। न कोई दिख रहा था और न ही कोई आहट थी। उधर मौसमी भी विक्रम के साथ घर से निकल गई। आंखों पर काला चश्मा लगाए वो गाड़ी में बैठी थी। हर कोई उसे देख रहा था और हैरान था। मौसमी, अरे ये कैसे बाहर आ गई? निहारिका गाड़ी के करीब आ मौसमी से बात करती गाड़ी रफ्तार में आगे बढ़ गई। जब गाड़ी उस गली के बाहर आई तो मौसमी की सांसें लंबी और गहरी हो गई। वो अपनी उंगलियों को भींचे किसी तरह गाड़ी से बाहर आई। उसका शरीर कांप रहा था। वो रुके से कदमों से आगे बढ़ने लगी। आओ मेरे साथ चलो और ये कपड़ा अपने हाथ में बांध लो। ये क्या है? मौसमी ने पूछा। बाद में बताता हूं। विक्रम को डॉक्टर ने गाड़ी के पास ही खड़े रहने का इशारा किया। शेखावत और मौसमी जैसे ही उस गली के अंदर गए भयानक सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। मौसमी वापस लौट जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे हिम्मत से काम लेने को कहा। मौसमी का गला सूख सा गया। उसे लग रहा था वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाएगी। डॉक्टर ने मौसमी का हाथ पकड़ लिया। कुछ दूर चलते ही मौसमी ने अचानक डॉक्टर का हाथ छोड़ दिया और अपना चश्मा उतार एक ओर देखने लगी। शेखावत ने जब उस ओर देखा तो पाया एक लड़का सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठा है। मौसमी ठीक उसकी ओर जा रही थी। डॉक्टर ने अपने बैग से एक लेंस निकाला और उसको आंखों के आगे रख उस लड़के को देखा। मौसमी बेसुध अवस्था में उस लड़के के करीब चली आई। आज उस लड़के ने अपना हाथ मौसमी की ओर बढ़ा दिया। उसकी मुट्ठी में गुलाबी रंग का गुलाल था। लगाओगी नहीं? कब से इंतजार था तुम्हारा। मौसमी खुली आंखों से उस लड़के को देखती रही। उसकी आंखें बिना रुके बहने लगी। अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी पर क्यों? कौन हो तुम? ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें जानती हूं? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? मौसमी के शब्द दर्द का रूप ले बाहर आ गए। लड़के ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका लगभग पूरा चेहरा सड़ गल गया था। मौसमी यह चेहरा देख एक कदम पीछे हो गई। सूरज, याद नहीं आया? तुम ही तो कहती थी कि हमारा साथ जन्मों का है। फिर क्यों मुझे तन्हा छोड़ आई? क्यों मुझसे हमेशा के लिए ऐसे मुंह मोड़ लिया? जानती हो तुम्हारे बिना ये गुलाबी रंग बेरंग लगते हैं। हर पल ऐसा मालूम होता है मानो सैकड़ों सुइयां मुझको एक साथ चुभो दी गई हों। उस लड़के ने बोलते हुए मौसमी का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मौसमी मानो बुत सी बन गई। मानो वो वहां हो ही नहीं बल्कि किसी और जगह पहुंच गई हो। बस उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। जब वो वापस होश में आई तो गुलाल लिए उस लड़के के चेहरे पर लगाने लगी। इतना प्यार मौसमी को किसी पर नहीं आया था। वो चेहरा जो उसे डरा रहा था अब उसको प्यारा लगने लगा था। दोनों की आंखें नम थी मानो जन्मों के बिछड़े आज मिले थे कुछ ऐसा अधूरा पूरा करने जो हो ना सका था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो। लड़के ने मौसमी को एक और खींचा पर वो आगे ना बढ़ सका। मौसमी भी उसके साथ जाना चाहती थी पर वो लड़का एक कदम भी ना ले पाया। मौसमी ने भी पूरी कोशिश की फिर वो समझ गई। काश मैं तुम्हारे साथ चल पाती, पर तुम जाओ मैं तुमसे मिलूंगी जरूर, पर ऐसे नहीं, वैसे जब हम दोनों एक जैसे होंगे। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे अकेले मत छोड़ो। वो लड़का रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। मौसमी उसका हाथ छुड़ा धीरे धीरे पीछे को आने लगी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, गुलाबी रंग लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आना जरूर, वादा है मेरा, मैं तुम्हें खोजूंगी।
और तुम तक आऊंगी, तुम बस मुझे याद रखना। मौसमी फिर से बेहोश हो गई। विक्रम और डॉक्टर भागते हुए उसके करीब आ गए, पर वो लड़का वहां था ही नहीं, मानो हवा में गायब हो गया। जब मौसमी को होश आया तो डॉक्टर और विक्रम सामने बैठे थे। अब तो तुम्हें पता है वो कौन था, शेखावत ने पहल की। उसका नाम सूरज था, पिछले जन्म में मैं उसकी पत्नी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और होली हमें बेहद पसंद थी। हर होली वो गुलाबी रंग ले आता और मुझ पर बिखेर देता, मैं भी उसके गालों पर मल देती। उस दिन भी वो मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं घर आऊंगी गुलाबी रंग लिए, पर मैं पहुंच ही नहीं पाई। किसी हादसे में मेरी मृत्यु हो गई। अरे क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो, मरा हुआ आदमी कैसे आ सकता है? विक्रम के लिए यकीन करना मुश्किल था। होली के दिन एनर्जी यानी ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, और जो सोल्स यात्रा करना चाहती हैं वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर इस लोक में आ सकती हैं। कुछ अपनों को ढूंढने आती हैं तो कुछ लोगों पर हावी होने। सूरज न जाने कब से मौसमी के लिए भटक रहा था। वो मौसमी को लेने आया था पर मेरे बांधे हुए कपड़े की वजह से लेकर नहीं जा सका। पर उसका प्यार गहरा और सच्चा था। मौसमी को गुलाबी रंग बेहद पसंद है। कॉलोनी के लोग फिर से उसके हुड़दंग से परेशान हैं, पर हर होली लोगों से छुप के वो उस गली आज भी जाती है इस आस में कि शायद उसका सूरज उसे दिख जाए। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।